हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें गुजरात हाई कोर्ट की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इंग्लिश और गुजरात स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती होनी है। इसमें जो अंतिम तिथि है दोस्तों आवेदन को भरने के लिए, वो 31 दिसंबर 2018 है। क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस भर्ती की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है, गुजरात हाई कोर्ट इंग्लिश गुजराती स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का जो डेट है जो जारी हुई दोस्तों 15/12/2018 को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और टोटल वैकेंसी जो है इसमें 76 है, 76 पोस्ट इसके अंदर रहेगी। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है वो अदर के लिए 600 रुपये है। SC ST EBC फिजिकल हैंडीक्राफ्टेड और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस उनको पे करनी होगी। फ़ीस जो आप पे कर सकते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसमें है दोस्तों 17/12/2018 2:12 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 31/12/2018 है। स्टार्टिंग डेट ऑफ पेमेंट की भी 17/12 से 31/12 लास्ट डेट है पेमेंट को, फीस जो है वो जमा करने की। लास्ट डेट ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट जो रहेगा आपका टाइपिंग का, वो लास्ट डेट ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर SI नंबर 01 जो है वो 10/3/2019 को स्किल टेस्ट रहेगा स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। और इसमें जो सेकंड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा वो 10/3/2019 को रहेगा, जिसमें गुजरात लैंग्वेज का रहेगा। इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज का अलग अलग जो डेट पोस्ट है उसमें आपका 10/3/2018 को इसमें टेंटेटिव डेट है स्किल टेस्ट की। डेट ऑफ वाया वॉइस टेस्ट जो रहेगा, ओरल इंटरव्यू रहेगा, वो अप्रैल 2019 में रहेगा। बात करते हैं एज की, तो इसके अंदर जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल की एज होनी चाहिए। SC ST OBC PH कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो उसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए, और साथ में टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। वैकेंसी जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की, क्लास सेकंड की, तो इसमें 31 है। और गुजराती स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए 45 वैकेंसी है, तो टोटल 76 इसमें पोस्ट रहेगी। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर। तो आप देख सकते हैं हम इनकी ऑफिशियल साइट पर हैं, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की दो टाइटल दिए हुए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और एंडिंग डेट 31/12/2018 है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म, कोई कॉन्टैक्ट आपको करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं इसमें डिटेल आपको जाननी है, तो यहाँ पर डिटेल पर आपको क्लिक करना है, तो आप इसकी भर्ती की जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ से मिल ले सकते हैं मोर डिटेल पे क्लिक करके। तो यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश एंड गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस भर्ती के लिए। तो आप इस नोटिफिकेशन को पहले से अच्छी तरह से रीड करें। आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो सीटें SC ST SEBC की जितने भी कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, टोटल 76 पोस्ट हैं। नोट फिगर आपको अच्छी तरह से रीड करना है दोस्तों आवेदन को भरने से के लिए, और एलिजिबिलिटी के बारे में आप यहां से नॉलेज ले सकते हैं। एज की है यहां पर कॉलम दिए हुए हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में भी, और रिजर्वेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट का भी यहां से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको लेके चलते हैं अप्लाई कैसे करना है, और यहाँ पर भी एग्ज़ाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो लिंक दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम मिसेज या मिस्टर या मिसेज जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, सरनेम आपको डाल देना है, और मदर्स नेम,
ये सब आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ये सब आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, वो सब आपको फिल करनी है। और नीचे चलेंगे तो आपको लैंग्वेज प्रीफ्रेंस जो है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, जो उनसे भी आपको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। एसएससी और एचएससी में आपको एक परसेंटेज कितनी थी, क्लास यहाँ से आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या पास है वो आपको सिलेक्ट करना है, बोर्ड जो सा था वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना, नंबर ऑफ जो ट्रिलर्स है वो, और मंथ एंड पासिंग ईयर आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद नीचे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई है तो वो आपको टिक करके यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर टिक करके मिल जाएगा, अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर, और एक्सपीरियंस डिटेल के लिए यहाँ पर आपको कॉलम मिल जाएंगे। तो यहाँ पेमेंट डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, पेमेंट मोड आपको SEBI ई पेमेंट द्वारा करनी है, तो 300 रुपये या 600 रुपये, तो एडिशनल डिटेल के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो सबको आपको फिल करके और सेव पर आपको क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर भी आपको यस कर देना होगा, तो जैसे आप सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी तरह से आपका ये फॉर्म है वो आपका सेव हो जाएगा, और आप इसमें पेमेंट करके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ये स्टेप रहेंगे आपको आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इसके जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे आपको हम आप एडवर्टीज जो वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करेंगे, कैसे कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।